हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आज यहाँ पर हम 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 8.4 का 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें जो बच्चे लोग होते हैं बस ये वाला क्वेश्चन देख करके घबरा गए, बोले हमसे तो नहीं बनने वाला, ये तो हमारे लेवल से ऊपर गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट जो सबसे ईजी मेथड होता है प्रूफ करने का, उस हिसाब से हम लोग इसमें चलेंगे। और जो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 cot² ए का यूज़ करके हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे इसका यूज़ करके इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने में यार अपने ऊपर है भाई, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ए का मान होगा तुम अगर यहाँ डिग्री मान के बीच रख सकते हो ना, दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगा। डिग्री मान के रख लो, इसका भी सेम वैल्यू होगा, इसका सेम वैल्यू आ जाएगा। वहाँ पे LHS बराबर RHS भी कर सकते हैं, लेकिन खास करके यहाँ पे क्या होता है कि एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 5 नंबर में अगर आपको लेना है तो जो अगर हम अभी बताने जा रहे हैं वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करके अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको 5 नंबर फुल ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अगर यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में मान लो कि ऑब्जेक्टिव में आ गया तो क्या करना है, ए बराबर कुछ भी पुट कर दो। मान लो ए बराबर तुमने क्या किया, 9 डिग्री पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 डिग्री मत करो, 2 डिग्री पुट कर लो, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पुट कर दिया। ए बराबर अगर 0 डिग्री अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ यहाँ पे ए है, LHS में डालो, LHS में डाल दिया। LHS में क्या डालोगे, यहाँ यहाँ पे ए है वहाँ पे 0 डिग्री डाल दो, -sin 0° +1 cos 0° +sin 0° -1 आया, ये डाल सकते हो। इसका तो वैल्यू 1 होता है मालूम है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0। ऊपर ओवरऑल कितना आ जाएगा, 2, नीचे आएगा 0। किसी भी चीज़ को, नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है। अब RHS में देख लेते हैं, RHS में क्या होगा, RHS में क्या है अपने पास, cosec है, cosec a +cot a, यहाँ यहाँ पे a वहाँ पे क्या रखना है, 0 रखना है, तो cosec 0° +cot 0°। अब याद करो cosec 0 का मान क्या होगा, cosec sin 0 का मान 0 होता है। अगर 0 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 से अगर 0 को उल्टा करेंगे और 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी को अगर हम उसके अंदर कुछ भी जोड़ देंगे, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर रहेगा, तुम्हारे पास इतना गेहूं रहेगा, ठीक है, उसके अंदर एक मुट्ठी और गेहूं डाल दोगे, उसमें कहाँ होने वाला, कुछ होने वाला है नहीं ना, इसीलिए इन्फिनिटी है, उसमें 0 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। दिख रहा है यहाँ पे RHS बराबर LHS हमको मिल गया होगा, RHS बराबर LHS, ठीक है, शॉर्टकट प्रूफ है, किसी को नहीं आता यहाँ से भी वो लोग कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको अगर 5 नंबर एकदम अच्छे से चाहिए तो फिर ये वाला का यूज़ करने के लिए बोला गया, अगर कंडीशन फॉलो करके बनाना है तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो करके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, इसको उतारना उतार सकते हैं। ओके, चलते हैं फिर देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन क्या दे रखा है, सोल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास। सोल्यूशन की अगर बात करें तो पहले जो दे रखा उसको उतार देंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो cos a है -sin a है +1 है। अगर हम सॉल्यूशन LHS को लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं, LHS को, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड, जिसको तो मालूम ही होगा आप लोगों को, जैसे तो आप लोग बहुत बड़े विद्वान हो ना, अगर मालूम होता तो यहाँ पे क्यों आते देखने के लिए, है कि नहीं, चलो ठीक है देख लो। ओके, cos a +sin a -1। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ देखो cos sin है, हमको क्या चाहिए, cosec और cot में चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, सबसे पहले हम इसको cosec और cot में करेंगे। हमको मालूम है हमने पिछले वाला फॉर्मूला पढ़ा था, है कि नहीं, तुम लोग भी पढ़े होगे, अभी तो हम अपलोड नहीं कर रहे हैं, यहाँ से इनिशियल किए हुए हैं। तो 1 sin इज इक्वल टू cosec थीटा होता है, यानी कि cosec थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इतना तो मालूम होगा, वो आइडेंटिटी में पढ़ाया जाता है उसको, ठीक है, तो वहाँ से अगर नहीं याद है उसको देख करके आ जाना, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आप क्या करो, ऊपर नीचे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे साइन से भाग कर देंगे, साइन से भाग करेंगे तो cos / sin हमारे पास क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, 1 sin cosec आ जाएगा, इसलिए ऊपर से किससे भाग कर रहे हैं, साइन से। अगर यहाँ पे sec रहता और tan रहता तो क्या करते, यहाँ पे cos से भाग करते, क्यों, क्योंकि साइन / cos हमको क्या मिल जाता, tan मिल जाता। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दो
ऊपर नीचे साइन जैसे क्या करने पर, भाग करने पर, भाग करने ऊपर नीचे साइन ऐसे भाग कर, साइन ऐसे भाग कर तो क्या आएगा, मान लो कॉस ए है, कॉस ए को कैसे भाग किया, साइन ऐसे भाग कर दिया, ठीक है। माइनस है, साइन ए किससे भाग किया है, साइन ए को भी साइन ऐसे भाग किया। प्लस है, मानो किससे भाग किया है, साइन ऐसे भाग कर दिया। अगर हम इसको ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों में करना है, नीचे भी हमको करना पड़ेगा, कॉस ए को किससे करना पड़ेगा, हमको साइन ऐसे करना पड़ेगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दो, साइन ए को किससे करना पड़ेगा, साइन ऐसे करना पड़ेगा, माइनस वन को किसे करना पड़ेगा, साइन ऐसे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक आया समझ के सबको, चलो ठीक है। आगे क्या करते, देखो साइन साइन का, साइन का बड़ा करो, वन करो, साइन वन का साइन आ गया, ठीक है, साइन वन का साइन आ गया यहाँ से। उसके बाद कॉस बाय साइन क्या होता है हमारे पास, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा अपने पास, माइनस यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या आएगा, वन बाय साइन क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हमने तो नहीं लेकिन अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है, किताब में दिया हुआ वहाँ से फॉर्मूला से आगे बता जाएंगे क्या तो कहाँ से आ रहा है ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे कॉस से क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस ओके, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट आ जाएगा, यहाँ पे कॉट है, प्लस है तो प्लस, साइन साइन क्या, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस से ये आ जाएगा। ओके, ये वाला तो उतार लिए होंगे, इसको मिटा दिया जाएगा। कॉसेक आ गया, यहाँ तक दिख रहा है सबको क्या आ चुका है, कॉसेक आ चुका है अपने पास। ओके, अब यहाँ पे अरेंज करना है, यहाँ पे ये जो है इसको यूज करने के लिए हमको यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि मान लेते हैं, ओके यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कॉसेक स्क्वायर, क्या दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर ए इसी को लिखा जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक काम करते हैं, हमको वन दिख रहा है यहाँ पे, वन को रिप्लेस करते हैं, वन को रिप्लेस करने के लिए वन को अकेला यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, अगर वन को अकेला छोड़ना पड़ेगा तो कॉट को क्या करना पड़ेगा, हमको कॉट को वहाँ पे हमको इधर लाना पड़ेगा, अगर कॉट को इधर लाएंगे तो वन उधर अकेले बच जाएगा, फिर वहाँ से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अगर मान लेते कॉट को अगर इधर लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो मालूम होनी चाहिए, ठीक है, मालूम होनी चाहिए नहीं, प्लस इधर आता है बराबर के तो माइनस हो जाता है, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, गुना आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि इंटरचेंज कर देते हैं वहाँ से। आगे की बात करते हैं, अब यहाँ पे से यहाँ आ जाती है तो कंडीशन वन हो गया, फिर यहाँ से देखते हैं, ओके यहाँ से आप ए का मान यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉट ए है, जहाँ यहाँ पर वन है वहाँ पर क्या डालेंगे, ऊपर में डालेंगे हम, ठीक है, नीचे में डालेंगे, क्योंकि हमको अगर दोनों जगह रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा लेंथी वो होता जाएगा, यानी कि फिर कोई कंडीशन नहीं, हमको सोल्यूशन में पहुँचना है ना, इसलिए ऊपर ही डालेंगे, ठीक है। अब ऊपर में हमको ये चाहिए होगा, ऊपर में चाहिए इसलिए हम ऊपर में डालेगा, नीचे में चाहिए होता तो किस में डालते, नीचे में डालते, समझ में आया, एक का रिप्लेस करने में कैसे करेंगे, नहीं आया, चलो ठीक है, आगे आने वाला, ओके, कॉट ए, कॉट ए माइन प्लस, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, कॉसेक क्या आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस वन, माइनस वन है तो वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, नीचे का जो रहेगा उसको क्या करना है, हमने बोला था छोड़ देने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ से, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, छोड़ गया आ गया यहाँ से, इसको ए कहाँ से यूज़ किया, ये वाला समीकरण वन से यूज़ किया है, ये वाला कहाँ से यूज़ किया है, समीकरण एक से, ओके कहाँ से यूज़ किए हुए हैं, समीकरण एक से यूज किया है, ओके आ गया यहाँ तक, समीकरण एक से क्या यूज करके लिख दिया, ये वाला यूज करके लिख दिया। अब तुमको एक तो फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है, नहीं मालूम है तो देख लो, ओके नहीं मालूम है तो यहाँ पर देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं, करते हैं नहीं मालूम है तो फिर याद कर ले बेटा, फिर उसके बाद आ जाना यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाने के लिए तुम्हारे पास हथियार होनी चाहिए, ठीक, अगर हथियार नहीं है तो फिर क्यों आ गया भाई यहाँ पे, पहले हथियार तैयार करता ना मारने, पता चला कि शिकार तो खुद ही शिकारी बन जाएगा, मालूम है ना, शिकारी हो गए खुद ही शिकार बन जाएगा, इसलिए पहले हथियार तैयार करके आओ यहाँ पे, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ओके उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक तुमको सब कुछ समझ में आएगा। तो
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या बी। ओके, ये कहाँ से लगाए फॉर्मूला, यहाँ से देखो तो अलग कोई मिनट यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे आ गया। इसको क्या कर सकते हैं, कॉट ए नीचे का तो अपनी जगह पर रहेगा, वन माइनस क्या आएगा कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए क्या आ गया, अगर यहाँ पे नीचे ये वाले कहाँ यूज किए हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन है तो यहाँ से हम लोग ने यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर देखो ये बेटा, देखो ये वाला बेटा, ये वाला बेटा, दोनों एक कुलिया लिखा, इस वाले को बाहर निकाल देते हैं, क्या करते हैं इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इसको बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉट ए प्लस कॉस ए क्या ए, इसको बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकल गया। यहाँ पे देखो क्या बचा, ये वाला बाहर निकल गया, यहाँ पे वाले का बेटा एक छोटा एक साथ में, यहाँ पे एक बच जाएगा माइनस है तो माइनस बचेगा, इसमें से ये रूट था एक तो रूट, इसमें से ये बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस ए ए माइनस क्या और ए बच जाएगा, यहाँ पे बेटा नीचे वाले जो रहेगा वह नहीं और ए प्लस वन माइनस क्या आ जाएगा कॉस ए ए। आ गया यहाँ तक, आ गया यहाँ तक तो आ गया, किसी को दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखो कि माइनस है, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे इसको अंदर अब छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो ये वाला हमारा आ गया होगा, ये वाला कंडीशन यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, इसको तो छिपाई नहीं करना, जो छिपाई करना उसको करना। ओके, कॉट ए प्लस कॉस ए ए, ओके ये तो रहा आपकी जगह पर, यहाँ पे देखो वन माइनस, माइनस वो करेंगे किससे, कॉस ए क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट ए आ जाएगा। ओके, नीचे भी अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखो वन है तो वन, माइनस कॉस है तो माइनस कॉस है ए, इसके बाद यह देखो प्लस में है तो प्लस क्या इधर इधर कर दीजिए क्या आ गया कॉट ए, यहाँ देखो दोनों सेम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है तो सेम टू सेम कट जाता है, ऊपर नीचे रहता है तो सेम क्या होता है कट जाता है, करता है कि नहीं करता है। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या बच गया कॉट ए प्लस कॉस ए ए That is equal to R H S. ये हो गया टू, ये रहा आपका ये फॉर्मूला। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा एकदम अच्छा से उनको समझ में आ गया होगा कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, अब लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर और ऐसे वीडियो अगर चाहिए आपको तो कमेंट में लिख करके बताओ, अगर चाहिए तो वरना कोई बात नहीं है, फिर से अपने हिसाब से तुम डालते ही रहेंगे, या कुछ इशू हुआ है या कहीं पे तुमको समझ में नहीं आया कमेंट में तुम पूछ सकते हो। ओके, जब तक के लिए जय हिंद।